नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो टोटली देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज है उनमें से देखा जाए तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा तो वो एक बहुत छोटा कंपनी है, क्योंकि कंपनी का टोटल मार्केट शेयर है, सॉरी टोटल मार्केट कैप है 12,900 करोड़ के आसपास। चलो मैं 13,000 भी बता देता हूँ, तो 13,000 करोड़ का मार्केट मतलब इसका मार्केट कैप है, तो बहुत छोटा कंपनी है। तो मैं आज इसके ऊपर डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं किया था, तो इस बार क्यों लॉस हुआ और इस बार कितना लॉस हुआ, जो लॉस क्या फ्यूचर में फिर से रिकवरी कर सकते हैं, क्या फ्यूचर में वो कंपनी फिर से ग्रोथ कर सकते हैं। तो चलो मैं पूरा डिटेल डिस्कस करूंगा, क्योंकि कंपनी टोटली फार्मा इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो डिटेल्स वीडियो देखना, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, सब्सक्रिप्शन का बटन सॉरी सब्सक्राइब का बटन यहाँ पे आपको दिख रहा है, जाकर एक बार साइन अप मतलब सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ चैनल को मतलब बेल आइकन को हिट भी करिए, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक दिया गया है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी टोटली मेडिकल इंडस्ट्रीज में है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में है। तो कंपनी देखिए अलम्बिक कंपनी का नाम एक बार दिखा देता हूँ, हाँ अलम्बिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। तो अलम्बिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के बारे में आज बात करूंगा, जो कंपनी करीबन करीबन 12,900 करोड़ के आसपास में, 13,000 करोड़ के आसपास बता दिया था आपको। तो उस इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा कि कंपनी कितना कंपनी में कितना पोटेंशियल है, कंपनी का कितना पोटेंशियल ग्रोथ है। आप देखेंगे तो कंपनी का जो डिटेल्स है वो अलम्बिक फार्मास्यूटिकल इज द बिजनेस ऑफ डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड यहाँ पे देखिए मेकिंग फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स। तो फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो मतलब कंपनी का डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का डेवलपमेंट भी करते हैं, मार्केटिंग का फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट को मार्केटिंग भी करते हैं। तो कंपनी का टोटल जो फार्मूलाज है और यहाँ पे देखिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, तो उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का देखिए कंपनी है 3 R&D, मतलब कंपनी का 3 R&D एंड 5 मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है। तो कंपनी का 3 R&D मतलब कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर 3 जगह पे कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं, साथ ही साथ 5 जगह पे कंपनी का प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। तो अच्छी बात है, कंपनी की स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बड़ा दिख रहा है। तो कंपनी का 52% टर्नओवर होते हैं फ्रॉम इंटरनेशनल जेनरिक मेडिसिन से। तो इंटरनेशनल लेवल्स में कंपनी का बिजनेस अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रहा है, आप देखेंगे तो पूरा डेटा से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अभी इस कंपनी का जो डिटेल्स आप दिखाऊंगा मैं आपको, तो टोटली देखा जाए तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है मतलब कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस है, तो उसमें क्वार्टर बेसिस आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको देखिए पहले 2019 जून मंथ से आप देखेंगे तो कभी भी कंपनी ने लॉस नहीं किया। हाँ छोटा मोटा बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट अप्स एंड डाउन रहा, क्योंकि देखिए जो कोविड के सिचुएशन स्टार्ट हुआ तब तब से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन और भी बढ़ते चले गए, मगर जब कोविड खत्म हो गया मतलब खत्म मतलब पूरा का पूरा खत्म नहीं हुआ, तो जब सिचुएशन कंट्रोल में आ गया तब क्या हुआ, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन घटते चले गए। मार्च क्वार्टर में कंपनी 35 करोड़ का प्रॉफिट किया था और कंपनी ने इस बार मतलब जून क्वार्टर में 66 करोड़ का लॉस किया। तो बहुत टाइम के बाद मतलब बहुत दिन के बाद कंपनी लॉस किया। तो लॉस होने का कारण चलो मैं आपको मतलब इसका रिपोर्ट जो है उसके माध्यम से आपको समझाता हूँ। तो अब देखेंगे तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे करोड़ में है 1,263 करोड़, जो पिछले बार था 1,400 करोड़, पिछले साल में था 1,330 करोड़। इसका मतलब सोचिए पिछले सालों में भी पिछले क्वार्टर में भी दोनों में ही आपको कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग देखने को मिला, कहेंगे प्रॉफिट अर्निंग देखने को मिला सॉरी सॉरी इनकम का ग्रोथ देखने को मिलेगा दोनों ईयर में ज्यादा। इस बार कंपनी का इनकम ग्रोथ यहाँ पे पहले से ही कम हो चुके हैं, तो ये एक कारण है कंपनी का इनकम ग्रोथ कम होने का। दूसरा जो है कंपनी के एक्सपेंस, तो कंपनी का देखिए इनकम कम हुआ मगर एक्सपेंस ज्यादा हो चुके थे, कंपनी के एक्सपेंस ज्यादा हो चुके थे। देखिए पिछले सालों में कंपनी 1,330 करोड़ का इनकम किया था और एक्सपेंस कम किया था 1,147 करोड़ का, और इस बार क्या हो गया, कंपनी का इनकम जितना हुआ उससे भी ज्यादा कंपनी का एक्सपेंस हो चुके हैं। और इसी एक कारण के बेसिस से कंपनी का जो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ प्रॉफिट जो भी देखेंगे, तो ओवरऑल बात करें इस कंपनी के तो 65 करोड़ का कंपनी ने लॉस किया, जो कि पिछले बार कितना था, 35 करोड़ प्रॉफिट था, पिछले सालों में तो धमाका था 164 करोड़ का। और इसी एक कारण के बेसिस से स्टॉक में
प्रेशर देखने को मिला थोड़ा सा। तो क्या इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी क्या है, अब वो भी आपको मैं दिखा दूँ। तो चलो यहाँ पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर आप देखेंगे तो पिछले सालों में तो 8 रुपीज़ का पर शेयर में अर्निंग था, 8.5 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर में था। पिछले क्वार्टर में करीबन 1.80 था, मतलब पिछले क्वार्टर से ही एक अंदाजा लग गया था कि कंपनी इस क्वार्टर में प्रॉफिट रेशियोज कम हो सकते हैं, लॉसेस भी हो सकते हैं। तो उसी का नजरिया देखने को मिला, 3.35 का टोटली यहाँ पे जो इसका जो परसेंटेज है, इसका जो मतलब रेशियोज है, वो यहाँ पे आपको नेगेटिव में देखने को मिला। तो ये एक कारण है, ये एक मतलब कारण आपको देखने को मिला, ये एक डिटेल्स डेटा है जिसके कारण आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कंपनी में प्रॉफिट से कहाँ से कंपनी का लॉसेस हुआ है। तो बाकी आप इस कंपनी के और भी डिटेल डेटा आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी के ऊपर जो जो रेशियोस हमने देखते हैं, जो कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस जो हम लोग देखते हैं, तो उनमें से कंपनी का कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पता चलता है कि कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाला है। देखिए कंपनी का मैं बाकी डिटेल्स दिखा दूँ, जैसे साल भर की परफॉर्मेंस आपको दिखा दूँ, तो कंपनी लगातार खुद का प्रॉफिट को ग्रोथ कराते आया है। जैसे 2011 में क्या था, करीबन 85 करोड़ का था, आज वो धीरे धीरे बढ़ते 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 आज कितना 1170 करोड़ तक भी पहुंच गया था पिछले सालों में, मगर इस साल में कंपनी ने बीट नहीं कर पाया, 50% प्रॉफिट ग्रोथ कम हो गया। तो अभी लोगों के मन में यही आ जाता है कि कंपनी फ्यूचर में क्या करेगा। देखिए कंपनी 10 साल में आपको अच्छा खासा रिटर्न दिया, 5 साल में, 3 साल में उतना खास प्रॉफिट नहीं है। तो मैं पहले एक बार डिस्क्लेमर जरूर देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया तो इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर निवेश करना ही है तो दिग्गज दिग्गज लीडर कंपनी है, जैसे जैसे सन फार्मा हो गया, जैसे डॉक्टर रेड्डीज हो गया, तो इस कंपनी मुझे बहुत पसंद लगते हैं। तो इस तरीके से कुछ कंपनी हो गया जैसे जाइडस लाइफ साइंस हो गया, ये इस कंपनी को भी आप फोकस रख सकते हैं। तो ये कुछ कंपनीज है जिसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा, मतलब बात कर रहा हूँ, जो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, जो अलम्बिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, तो इसका परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो छोटा कंपनी है, रिक्सी कंपनी जरूर होगा क्योंकि मिड कैप टाइप कंपनी है, तो मिड कैप मतलब रिक्स जरूर होगा। तो जितना रिक्स होगा उतना रिटर्न मिलने का चांसेस भी होगा, मगर इस कंपनी का रिटर्न रेशियोस मुझे उतना खास नहीं लगा क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, जैसे कंपनी का देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको एवरेज लेवल में देखने को मिला, और इंडस्ट्रीज का पी रेशियो 22 है और इसका पी रेशियो डबल से भी ज़्यादा है। तो ये एक नेगेटिव इश्यूज है, और कंपनी का एनुअली इनकम 500 करोड़ 540 करोड़ के आसपास है, और इसका डेप जो है, वो कर्जा जो है वो 600 करोड़ के आसपास है। और कंपनी का जो डेप देने के बाद कंपनी के हाथ में जो कैश फ्री में रहते हैं, मतलब हाथ में जो कैश एक्स्ट्रा रह जाते हैं, वो 128 करोड़ लास्ट सालों में कंपनी के हाथ में था, तो अभी भी है। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर 16 रुपीज के आसपास है, और कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है, यही कुछ पॉइंट्स मुझे इस कंपनी के ऊपर नेगेटिव बात बता रहा है। तो देखिए आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो थोड़ा सा आप मेरे हिसाब से रिस्की गेम खेल रहे हैं। देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, पहले बता दूं, उतना ज्यादा ग्रोइंग मूड में हमेशा नहीं होता, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है जिसमें कुछ ही कंपनी ग्रोथ दिखाया, और वो भी आप देखेंगे इस लॉकडाउन सिचुएशन में, जब कोविड आया था तब से कंपनी ने के ऊपर ग्रोथ हुआ। पिछले सालों में आप देखेंगे तो जो अगर उस कंपनी ने ग्रोथ हुआ था तभी अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ दीजिए उस कंपनी को। क्योंकि कंपनी का आप देखेंगे बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो कर्जा पहले भी जितना था आज भी उससे भी ज्यादा है कर्जा, मतलब कर्जा बढ़ रहा है, कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है, अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं। कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से आपको डिविडेंड दिया, कंपनी मार्जर भी किया और खुद के दूसरे कंपनी से मार्जर भी किया, कैश फ्लो के हिसाब से कंपनी का हाथ में कैश आ रहा है, अच्छी बात है। इन्वेस्टर के बारे में बात करो, देखिए अगर कंपनी में दम होता तो सबसे ज्यादा एफआई के पास उसका हिस्सेदारी होता, डीएस के पास भी हिस्सेदारी है मगर उतना ज्यादा नहीं है, पब्लिक के पास भी हिस्सेदारी है, और प्रोमोटर के पास सबसे ज्यादा 70% तक होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। तो लास्ट में मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आपको लेके आया हूँ, चार्ट पैटर्न के देखिए 2012 से कंपनी का ग्रोथ बहुत शानदार देखने को मिला, 2000 करीबन करीबन 15 तक कंपनी का अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। जब 2012 में इसका मार्केट में लिस्टिंग हुआ था तब 39 रुपीज के आसपास था, उसके बाद लगातार ग्रोथ हुआ और कंपनी करीबन करीबन 800 के आसपास गया था, यहाँ पे 800 के आसपास गया था, और उसके बाद बहुत दिनों तक एक ही जगह पे कंपनी एक ही रेंज में काम किया। तो उसके बाद फिर से कंपनी का तेजी आया और कंपनी करीबन करीबन 1100 रुपीज के आसपास गया था, और कंपनी अभी चल रहा है कितना 685 रुपीज के आसपास, मतलब कंपनी 50% आपको स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला। तो मैं पहले बता दूं कंपनी के ऊपर ऐसे नहीं कहूंगा कि कंपनी खराब है, बिल्कुल भी नहीं कहूंगा,
कंपनी रिक्सी कंपनी है। अगर आप रिक्स लेना चाहते हैं तभी इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, अगर आप रिक्सी प्लेयर नहीं है तो इस तरीके से कंपनी से दूरी रहिए। आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर निवेश करना ही है तो आप डॉक्टर रेड्डी और सन फार्मा इस तरीके से कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, और जायडस लाइफ साइंस इस तरीके से कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।